Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the singly reinforced beam. Means what is singly reinforced? Singly reinforced beam होता क्या? या singly reinforced rectangular beam जो है, वो क्या होता है? और उसको किस तरीके से design किया जाता है? क्या steps use की जाती हैं? हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे। So सबसे पहले मैं singly reinforced beam की बात करूँ, तो singly reinforced beam का अगर मैं section आपको बताऊँ, singly reinforced rectangular beam की अगर मैं section की बात करूँ, तो उसका जो section होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये न्यूट्रल एक्सेस है, यहां कंप्रेशन होता है, यहां टेंशन होता है, और जो स्टील लगाया जाता है वो सिर्फ टेंशन में लगाया जाता है। यहां पे हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, ये स्टील है, और कौन सा है? एएसटी, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। ये इस बीम की विड्थ होती है, इस बीम की विड्थ से, इस स्टील के सीजी से हम यहां से देखते हैं, ये इसकी इफेक्टिव डेप्थ होती है। यहां से ये जो बचता है इतना, ये इसका इफेक्टिव कवर होता है। और ये आपकी जो होगी ओवरऑल डेप्थ होती है। तो यहां पे जो डी है वो ओवरऑल डेप्थ को रिप्रेजेंट करेगा। जो स्मॉल डी है वो इफेक्टिव डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। और जो एन ए है, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी, और ए एस टी मतलब एरिया ऑफ टेंशन। सो बेसिकली सिंगली रेनफोर्स बीम का मतलब क्या होता है? कोई भी रेक्टेंगुलर बीम की मैं बात करता हूं, जो नॉर्मली अभी रेक्टेंगल बीम मतलब नॉर्मली जो प्लिंथ लेवल पे आपको मिलते हैं, जब आप बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, ग्राउंड पे आप फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन के ऊपर आप क्या बेसिकली क्या करते हैं, शुरू जब होता है तो आपके पास लैंड होती है, लैंड में आप एक्सकेवेशन करते हैं, सॉइल एक्सकेवेट करते हैं, फुटिंग बनाते हैं, फुटिंग से नीचे से कॉलम आता है, उनको कनेक्ट करने के लिए प्लिंथ पे बीम बनाया जाता है। तो वो जो प्लिंथ पे बीम बनता है, सिर्फ वही रेक्टेंगुलर बीम होता है, जो कि सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम हो सकता है या डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम हो सकता है। तो मैं आपसे जो बात यहां पे कर रहा हूं वो सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको वहां पे रेक्टेंगल बीम का सेक्शन बताया, जिसमें ये मैंने बोला कि ये विड्थ ऑफ बीम होती है, जो स्टील लगाया जाता है टेंशन में वो नीचे से लगाया जाता है, उस स्टील के सीजी से जो डेप्थ होती है ऊपर तक की, वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होती है, और उस स्टील के सीजी से सेंटर से नीचे तक का जो होता है डी डैश, वो इफेक्टिव कवर होता है, और ये पूरी ओवरऑल डेप्थ होती है। यहां पर यह टेंशन साइड होता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन साइड होता है। ये एक बीम सेक्शन को मैंने रिप्रेजेंट किया। अब सिंगली रेनफोर्स बीम वाली क्या बात है इसमें? तो सिंगली रेनफोर्स बीम का मतलब होता है जिस बीम के अंदर आपने जो स्टील लगाया है, आपने जो लोहा लगाया है, स्टील की रॉड्स लगाई हैं, वो सिर्फ टेंशन को रजिस्ट करने के लिए लगाई हैं, एएसटी के फॉर्म में लगाई हैं। इसका मतलब जब मैं कोई बीम बना रहा हूं, उस बीम के ऊपर कोई भी लोड आ रहा है, उस लोड की वजह से इस बीम में ऊपर जो आएगा वो कंप्रेशन आएगा, अगर ये बोथ हैंड सपोर्टेड है, नीचे जो आएगा वो टेंशन आएगा। तो जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आएगा कंप्रेशन, उस कंप्रेशन को जो रजिस्ट करेगा वो सिर्फ कंक्रीट रजिस्ट करेगा, उस कंप्रेशन को जो रजिस्ट करेगा, जो लोड आएगा उस लोड को जो रजिस्ट करेगा साइड में, कंप्रेशन साइड में, वो सिर्फ कौन करेगा? कंक्रीट करेगा। मतलब यहां पे पूरा का पूरा जो रजिस्टेंस मिल रहा है वो कॉन्क्रीट से मिल रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो टेंशन आएगा उस टेंशन को कौन रजिस्ट करेगा? स्टील रजिस्ट करेगा। तो ऐसा बीम जिसमें कंप्रेशन को कॉन्क्रीट रजिस्ट कर रहा है पूरा का पूरा, और टेंशन में स्टील रेजिस्ट कर रहा है, ऐसे बीम को सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कहा जाता है। बात समझ में? तो इसको हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। और अब मैं जो बात करने वाला हूं वो इसी के डिजाइनिंग से रिलेटेड बात करने वाला हूं, कि सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम को बनाया कैसे जाता है। तो इसको बनाने के लिए बेसिकली हम लोग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे हम लोग जो मेथड यूज कर रहे हैं वो एलएसएम मेथड की बात हम यहां पे करने वाले हैं, लिमिट स्टेट मेथड जिसको कहा जाता है, और इसके अकॉर्डिंग जो हम आईएस कोड यूज करने वाले हैं, आईएस कोड वो हम यूज करने वाले हैं 456-2000, इसके अकॉर्डिंग पूरी हमारी डिजाइनिंग चलेगी। मेथड जो हम यूज करेंगे वो एलएसएम करेंगे, और आईएस कोड जो यूज हम करने वाले हैं 456-2000 करेंगे। इसके अकॉर्डिंग जो सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम को डिजाइन करना सीखेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं, कुछ फॉलोइंग स्टेप के बेसिस पर हम काम करते हैं, कि हमें अगर बीम डिजाइन करना है तो हमें सबसे पहले नहीं पता होता कि वो हमारा सिंगली बनने वाला है या डबली बनने वाला है। हमारे पास सिर्फ इतनी कंडीशन होती है कि एज अ सिविल इंजीनियर मैं खड़ा हूं, मेरे पास कोई कस्टमर आता है,
उसका स्ट्रक्चर बनना है, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनना है और मुझे उसके लिए बीम बनाना है। तो मैं बीम बनाऊंगा तो उस लोड के रिस्पेक्ट में जब मैं बीम बनाना शुरू करूंगा तो सबसे पहले मुझे लोड पता होना चाहिए। तो बेसिकली लोड कितना आता है उसके लिए हम IS कोड 875 को यूज करते हैं। IS कोड 875 लोड के लिए हम जो यूज करते हैं, IS कोड 875 पार्ट 1 एंड 875 पार्ट 2 लाइव लोड और डेड लोड को देखने के लिए कि किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे, पब्लिक बिल्डिंग पे जो लोड आते हैं वो किस तरीके से देखे जाते हैं, वो 875 पार्ट 1 से देखते हैं, 875 पार्ट 2 से देखते हैं। बट यहां पर RCC 1 जब हम पढ़ रहे हैं तो ये IS कोड हमारे लिए अलाउड नहीं है। जब हम साइट पे काम करेंगे या हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके तब हम ये यूज करेंगे, लेकिन यहां पे जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हमें एग्जाम में जो परमिट है वो सिर्फ यही कोड है। तो हम एग्जाम के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं उसमें लोड आपको दिया रहता है कि आपको एक बीम बनाना है जिसके ऊपर लोड आने वाला है 20 किलोन्यूटन पर मीटर का, या आपको जो बीम बनाना है उसके ऊपर लोड आने वाला है 30 किलोन्यूटन पर मीटर का, तो उस पर्टिकुलर लोड के लिए बीम आपको बनाना। तो लोड आपके पास गिवन होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं उस लोड की वजह से हमारी बीम में क्या डायमेंशन हमारी होगी, विड्थ ऑफ बीम क्या होगी, डेप्थ ऑफ बीम क्या होगी। जैसे ही हमें डायमेंशन मिल जाती है उसके बाद हम टोटल लोड निकालते हैं, लाइव लोड कितना आ रहा है, स्ट्रक्चर का डेड लोड कितना है, उसकी वजह से फिर हम निकालते हैं कि उसमें मूवमेंट्स कितने आएंगे, शेयर फोर्स कितना आएगा, और उसके बाद उस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में हम उसमें एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं, कितना स्टील लगना है, और शेयर आ रहा है तो फिर शेयर के लिए स्टील कितना लगना है वो देखते हैं, फिर डिफ्लेक्शन को चेक करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ को चेक करते हैं, और उसके बाद हम उसकी पूरी ड्राइंग बना के यहाँ पे शो करते हैं कि बेसिकली जो बीम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस में हम चलेंगे कि गिवन डेटा के बेसिस पे हम किस तरीके से ड्राइंग तक हमें कैसे डिजाइन करना रहता है वो पूरी बात करने वाले हैं हम इस डिजाइनिंग सेक्शन में। तो हम अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं जिसमें हम सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम को कैसे डिजाइन किया जाता है मैं उसकी बात करूंगा, या किस तरीके से उसका एरिया ऑफ स्टील निकालना जाता है उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।